बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। कैलाश के लिए बड़ा अच्छा जाना जाता है क्योंकि विश्व का गौरव रहा है आगरा, और सबसे प्रमुख बात है कि आगरा शहर में ताजमहल है, तो कहीं ना कहीं हम उस ताज के माध्यम से हम अपनी कला को प्रस्तुति कर सकते हैं। हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो नृत्य विधाएं हैं, उन नृत्य विधाओं को हम केवल इस देश में नहीं अपितु हम बाहर के देशों तक भी हम इसको पहुँचाएंगे, और इसके लिए बड़ा अच्छा प्रयास किया जा रहा है नटरांजलि थिएटर आर्ट्स के माध्यम से, और उसमें हमारे जो परम सहयोगी हैं वो हमारे आगरा शहर के जाने माने समाज सेवी और नफ्सा के अध्यक्ष संजय तोमर जी भी हैं। इन्होंने पूर्व में भी कई सारे कार्यक्रमों में हम लोगों को योगदान दिया, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए सबसे प्रमुख बात होती है एक आर्थिक बल भी होता है, तो उस आर्थिक बल के लिए हम लोगों को सहयोग हम लोगों को मिलता रहता है संजय तोमर जी के माध्यम से। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अमूमन और अक्सर करके दर्शकों की जो अनुपस्थिति होती है, जो एक रुझान कम होता जा रहा है, तो लेकिन इस बार स्कूल्स को जोड़ करके, क्योंकि बच्चा वो सशक्त माध्यम है कि बच्चों के माध्यम से हम घर घर तक वो बात पहुंचाएंगे जो हम पहुंचाना चाहते हैं। बजरंग महोत्सव चतुर्थ का जो आयोजन आगरा के अंदर हो रहा है, इसमें चार हमारे बीच में कंट्री रहेंगी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और सर्बिया के कलाकार रहेंगे, और पूरे भारतवर्ष से हमने 22 राज्यों के कलाकारों को आमंत्रित किया है। 300 से ऊपर जो कलाकार हैं उनकी सहमति और उनकी टिकट वगैरह हमारे बीच में आ चुकी हैं, यानी कि वो कंफर्म आ रहे हैं। 300 से ऊपर हमारे देश विदेश के कलाकार रहेंगे, और आगरा के कलाकारों को, आगरा के टैलेंट को भी हमने इसमें शामिल किया है। चयनित कलाकार जो हैं आगरा के, चाहे वो ड्रम प्लेयर हो, कीबोर्ड प्लेयर हो, संगीत का है, नृत्य का है, ड्रामा का है, उसको हमने शामिल किया है। और आगरा की विभिन्न संस्थाएं, जैसे जो महिला शक्ति है, एकल महिला अपने अपने खुद के ऊपर निर्भर होकर समाज का कहीं भला करती है, तो उनको हमने सम्मानित करना है अपने इस मंच से। और जो पूरी संस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं, आगरा की जो छवि है उसको विश्व पटल पर ले जाने की बात करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित करेंगे, जिसमें हमने नवरत्न सम्मान दिया है 9 संस्थाओं को, उनको चयन किया गया है। सप्तऋषि सम्मान है, 7 बड़े चेहरे, बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया है समाज के लिए, उनको भी हम अपने अंतर्राष्ट्रीय ताज रंग महोत्सव का हिस्सा बना रहे हैं। पूरे शहर से अनुरोध है, आग्रह है कि पूरे इस कार्यक्रम में शामिल हों। होली पब्लिक स्कूल में सुबह पहला सत्र होगा 11 से 2 बजे तक, और द्वितीय सत्र होगा 3 से 6 बजे तक, और तृतीय सत्र हमारा 7 से 11 बजे तक। विभिन्न रंग आपको एक ही मंच पर दिखाई देंगे, उद्घाटन यमुना आरती से होगा और समापन हमारा रंग जुलूस से होगा। पूरे कार्यक्रम में आप लोग आए, शामिल हों और कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। होली पब्लिक स्कूल बिल्कुल तैयार है इस कार्यक्रम के लिए, और विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए होली पब्लिक का स्टाफ अच्छे सब पूर्व से तैयार है। जैसे कि अभी 4 दिन के अंदर जो एक लघु भारत आपको देखने को मिलेगा होली पब्लिक के अंदर, विभिन्न कलाकार नृत्य हुए, ड्रामा हुआ, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एक नए अनूठे रूप में देखने को मिलेंगी। और साथ साथ जो आज के छात्र हैं, छात्राएँ हैं, जो हमारे CBSE ने इस बार चेंज किया अपने पैटर्न में कि आर्ट इज कंपल्सरी इन ऑल क्लासेस, एक नया सब्जेक्ट हुआ कि आर्ट मतलब अंदर है कि पूरा ड्रामा, आपका डांस, ये कंपल्सरी हो गया, और ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तो बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा मिलेगी। और कोशिश की जाएगी कि जितने भी कलाएं हम देखें वहाँ पर, क्योंकि आगरा अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अपने आप में आर्ट है, और मगर यहाँ लाइव आर्ट आपको देखने मिलेगी, और इसमें जितने भी अभिभावक गण हैं, जितनी भी अदर्स
दूसरे स्कूल के सदस्य हैं, सभी से जुड़े हुए हैं और कोशिश की जाए कि इसको बहुत भव्य बनाया जाए, क्योंकि ये आगरा का एक पहचान है।